देखो, इस बात का ये मतलब नहीं है कि हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। अब कर्म किया है तो फल की इच्छा तो होगी, बट नेचुरल है। भगवान कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये जस्ट सेड कि कर्म करो, फल हमारे अधिकार में नहीं है। फल अधिकार में नहीं है तो दिख ही रहा है, पर फल की इच्छा भी ना करें, ये क्या बात हुई भाई? जो रिजेक्ट होने पे उदास नहीं है, उन्होंने कभी फाइट ही नहीं मारी, कभी अपने आप को खुद से ज्यादा पुश ही नहीं किया। हमने तो मेहनत की है यार, हमारी उदासी बनती है। सैड फील कर रहे हैं तो सैड फील कर सकते हैं, किसी को रोना आ रहा है तो रो सकते हैं। बट हाँ, एक चीज किसी को स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं, कि हम बैठ के वर्थलेस फील करें। वर्थलेस तो है भैया, आप चाहे फोकस के कितने भी पास आ जाओ या दूर रहो, जब तक क्रॉस नहीं करो आईआईटी के अंदर तो नहीं घुस सकते ना। ना, फोकस क्रॉस करोगे तो तुम मिरर में जाओगे। अगर फोकस नहीं क्रॉस कर पाए तो भी कुछ बदला क्या? तुम्हारा साइज, तुम्हारी इमेज तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। दुनिया को तुम इतने ही दिखो, पर तुम्हारा कद काफी बड़ा हो चुका है। जो कभी पास ही नहीं आए उनके कद छोटे रह गए। तो हम वर्थलेस बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? वॉर में सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड जीतता है, एक साइड हार जाता है। पर वॉर में हारने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं। तू बता, तेरा हो जाता और सार्थक का नहीं होता तो तू उसे लूजर समझता? बिल्कुल नहीं भैया, फिर ना तू लूजर है, ना ये लूजर है, ना वो, ना पीयूष, ना वर्णाली। भाई कोई लूजर है तो वो मैं हूं, फिर भी पार्टी कर रहा हूं, देखो कितना खुश हूं। चलो पार्टी करते हैं, चलो चलो चलो, उठाओ एक फ्रूट भी, उठाओ सब लोग। गगन जी। चलो चलो चलो। हाँ यार।